हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। थर्मल इंजीनियरिंग में हम लोगों ने पहला चैप्टर पढ़ लिया, पहला चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। दूसरे चैप्टर का नाम है लॉज ऑफ परफेक्ट गैसेज, यानी कि आदर्श गैसों का नियम, ठीक है। पहले चैप्टर में दो डेफिनेशन जो है नहीं पढ़ाए हैं, वो इस चैप्टर में या अगले चैप्टर में जब भी ज़रूरत पड़ेगी वो पढ़ा देंगे, क्योंकि उतना जल्दी बता देना उसके लिए सही नहीं होगा। जैसे कि पहला इंटरनल एनर्जी, दूसरा है एंथैल्पी, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन और जो भी चीज़ें उससे रिलेटेड है बताएंगे आगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको, इस चैप्टर को शुरू करते हैं लॉज ऑफ परफेक्ट गैसेज। तो अगर बात करें मैटर की, सबसे पहले बात करते हैं इसमें मैटर की स्टेट्स के बारे में, यानी गैस वगैरह के बारे में हम लोग जान लेते हैं आखिर गैसेज क्या होते हैं, ठीक है ना, और परफेक्ट गैस क्या होता है, आइडियल गैस क्या होता है, ठीक है। तो मैटर के कितनी स्टेट्स होती हैं? नॉर्मली एक सॉलिड स्टेट होता है, यानी कि ठोस अवस्था, ठोस अवस्था, लिक्विड स्टेट, द्रव, और तीसरा है गैसीय, यानी कि गैसियस। गैसीय अवस्था। अब गैसियस स्टेट में दो चीजें आती हैं, एक है वेपर यानी कि वाष्प, और दूसरा है गैस। समझिएगा, तो वेपर भी गैसियस स्टेट में आता है। वेपर और गैस में डिफरेंस होता है, ठीक है ना। वेपर अलग चीज है, गैस अलग चीज है, ठीक है। स्टेट दोनों का सेम रहेगा, लेकिन वेपर किसको कहेंगे और गैस किसको कहेंगे बताते हैं। जैसे होता है ना जल वाष्प, वाटर वेपर, ठीक है। और गैस का मतलब है, गैस को मतलब क्या होते हैं, गैस दो तरह के होंगे, एक होगा आइडियल या परफेक्ट गैस, इसको हिंदी में कहते हैं आदर्श गैस, या फिर परफेक्ट गैस, ठीक। और दूसरा हो गया कि रियल गैस, यानी कि वास्तविक गैस, ठीक है। तो आइडियल और परफेक्ट गैस यही हमको जानना है, इसी के नियमों को हमको पढ़ना है, ठीक है ना। तो अब गैस और वेपर में क्या अंतर होता है बता दें। तो वेपर ऐसा गैसियस स्टेट होता है, ऐसा गैसियस स्टेट होता है यानी ऐसा गैसीय अवस्था होता है जो कंडेंसेशन टेम्परेचर यानी कि संघनन तापमान के बहुत नज़दीक होता है, ठीक है ना। यानी कि जिसको आसानी से संघनित किया जा सके वो होता है वेपर। मीन्स उसका तापमान ना, जैसे कि मान लीजिए वाटर है, तो वाटर अगर नॉर्मल अगर वायुमंडलीय दाब देखा जाए तो वायुमंडलीय दाब पर क्या होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल करने लगता है, यानी वेपर में बदलने लगता है। तो अगर 110, 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर है कोई वाटर वेपर तो वो क्या है, मतलब कोई गैसियस स्टेट में है, पानी का, पानी गैसियस स्टेट में है, पानी है ना वो जो गर्म होने के बाद, तो वो कहलाएगा वेपर, क्योंकि वो कंडेंसेशन टेम्परेचर के बहुत नजदीक है, उसको आसानी से क्या किया जा सकता है, द्रवित किया जा सकता है, ठीक है ना, आसानी से द्रवित किया जा सकता है। और गैस क्या होता है, गैस ऐसा गैसियस अवस्था होता है जिसको आसानी से द्रवित नहीं किया जा सकता, ठीक है ना, आसानी से द्रवित नहीं किया जा सकता, यानी इसका तापमान जो होता है कंडेंसेशन टेम्परेचर से बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। मतलब जो कंडेंसेशन टेम्परेचर होगा जिस पर वो कंडेंसेट होगा यानी द्रवित होगा, संघनित होगा, उससे बहुत ज्यादा होगा। तो इसको कहते हैं कि उसको, तो क्या उसका पैरामीटर है, पैरामीटर यह है कि जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। अब ये क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, जब प्रॉपर्टी जब स्टीम पढ़ाएंगे तब बताएंगे, यानी वाष्प के गुणधर्म जब पढ़ाएंगे पांचवा चैप्टर तब बताएंगे। तो क्रिटिकल टेम्परेचर से
ज्यादा होता है जब, यानी इसको बोलते हैं क्रांतिक तापमान हिंदी में। तो क्रांतिक ताप से अगर ज्यादा होगा गैस का, किसी भी गैसीयस अवस्था का तापमान, मान लीजिए पानी ही है तो उसके लिए अगर उससे क्रांतिक तापमान से ज्यादा हो जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, वो गैस गैस है, ठीक है ना। अगर वो बहुत कम नजदीक है कंडेंसेशन टेम्परेचर के नजदीक है बहुत, यानी उसको आसानी से अगर द्रवित कर सकते हैं, आसानी से आप संघनित कर सकते हैं, तो वो वेपर कहलाएगा। तो समझ गए होंगे आप। अब उसके बाद हो गया कि आइडियल गैस या परफेक्ट गैस और रियल गैस। तो रियल गैस तो सभी रियल गैसेज हैं इस यूनिवर्स में, ठीक है ना। आइडियल गैसेज नॉर्मली होती नहीं है, लेकिन कुछ रेंज में आइडियल गैस होता है। तो अब देखेंगे हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल गैस, यानी आइडियल गैस का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है, क्योंकि हमको आइडियल गैस ही पढ़ना है। तो देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल गैस, तो पहला चीज ये हो गया कि आदर्श गैस क्या होगा, कैसा होगा, कि आदर्श गैस के अणुओं के बीच कोई अंतराणविक आकर्षण बल या फिर कोई भी बल नहीं लगता है, ठीक है ना। यानी न तो आकर्षण बल लगता है न तो प्रतिकर्षण बल लगता है। तो गैस के, आदर्श गैस के अणुओं के बीच कोई आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल नहीं लगता है। ठीक है, तो आदर्श गैस के अणुओं के बीच कोई आकर्षण और प्रतिकर्षण बल नहीं लगता है, यानी कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स या फिर रिपल्शन फोर्स नहीं लगता है, ठीक है ना, जो मॉलिक्यूल्स होंगे। दूसरा चीज क्या हो गया, दूसरा चीज ये हो गया आदर्श गैस को आसानी से द्रवित नहीं किया जा सकता, या इस आसानी से क्या, आदर्श गैस को द्रवित ही नहीं किया जा सकता, द्रवित नहीं किया जा सकता है। तो अगर आइडियल गैस है तो आप कितना भी एफर्ट लगा लीजिए वो लिक्विफाई नहीं होना चाहिए, यानी कि वो द्रवित नहीं होना चाहिए, लिक्विफाई नहीं होना चाहिए। द्रवित का इंग्लिश क्या होगा, लिक्विफाई, लिक्विफाई नहीं होना चाहिए, ये छोटी होना चाहिए। तो द्रवित नहीं किया जा सकता, यानी कि लिक्विफाई नहीं किया जा सकता आदर्श गैस को। अगर आइडियल गैस होगा तो उसको आप लिक्विफाई नहीं कर सकते, चाहे आप कितना भी कम प्रेशर कर लीजिए, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि जब द्रवित करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसके तापमान को घटाते जाते हैं, सॉरी प्रेशर को, दाब को घटाते जाते हैं। तो जितना ही कम दाब रखेंगे, जितना ही कम दाब रखेंगे वो, और जो है उसका तापमान कम होते जाता है, तो वो द्रवित हो जाता है आसानी से। अगर जो है तापमान घटाया जाए, मतलब दाब को घटाया जाए, तब भी तापमान घटेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं किया जा सकता आदर्श गैसों में, लेकिन एक्चुअली में ऐसे गैसें नहीं मिलती, अभी तक कोई भी ऐसा गैस नहीं मिला है जिसको द्रवित नहीं किया जा सकता। हाँ, उनके लिए बहुत एफर्ट मारा जाता है, बहुत कम टेम्परेचर पर ये द्रवित होते हैं, फिर भी द्रवित हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर सही बातों में कहें, सही मायनों में, तो कोई आदर्श गैस नहीं होता है, लेकिन कुछ टेम्परेचर प्रेशर रेंज में, या तो बहुत हाई टेम्परेचर पर या बहुत ही लो प्रेशर के रेंज में, जैसे कि हीलियम हो गया,
ऑक्सीजन हो गया, एयर हो गया, ये सब किस और नाइट्रोजन हो गया, ये सब किसकी तरह बिहेव करते हैं, ये मोर और लेस क्या करते हैं, आइडियल गैस की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन स्पेसिफिक टेम्परेचर प्रेशर रेंज में, यानी बहुत हाई टेम्परेचर या तो होना चाहिए या फिर बहुत लो प्रेशर होना चाहिए, उस रेंज में मतलब उनमें उस कंडीशन में आदर्श गैसों की तरह बिहेव करेंगे। और सबसे जरूरी चीज जो है आदर्श गैसों के लिए क्या है कि ये इक्वेशन ऑफ स्टेट को इक्वेशन ऑफ स्टेट का पालन करना चाहिए। इक्वेशन ऑफ स्टेट हम लोग आगे पढ़ेंगे आइडियल गैस के लिए, जो कि आप लोग पहले भी सुने होंगे PV = mRT कर, तो इसका पालन करना चाहिए। अगर आइडियल गैस होगा तो इसका पालन करेगा, केवल आइडियल गैस के केस में ये फार्मूला हम लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग समझ गए आइडियल गैस क्या होता है। अच्छा अब परफेक्ट गैस क्या होता है यहीं पे बता देते हैं, आगे हम आपको बताएंगे स्पेसिफिक हीट CP और CV, क्या बताएंगे कांस्टेंट प्रेशर पर यानी स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा और स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। अब ये जो मान होते हैं आइडियल गैस, देखिए आइडियल गैस क्या होगा PV = mRT का पालन करेगा और परफेक्ट गैस BC का पालन करेगा। तो चाहे आइडियल गैस हो चाहे परफेक्ट गैस हो, दोनों जो है सेम ही एक तरह से हैं, ठीक है। दोनों क्या करेंगे इस नियम का पालन करेंगे, आगे बताएंगे अभी, ठीक है ना। बस अभी के लिए बस इतना जानिए, आगे अब बता देंगे तो फिर कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो आइडियल गैस हो चाहे परफेक्ट गैस हो इस नियम का तो पालन करेंगे, ठीक है ना। लेकिन आइडियल गैस जरूरी नहीं है कि आइडियल गैस के लिए दोनों कांस्टेंट, ठीक है। मतलब जरूरी नहीं है कि CP और CV जो है कांस्टेंट हो हर टेम्परेचर के लिए हर प्रेशर के लिए, ठीक है, ये जरूरी नहीं है। लेकिन परफेक्ट गैस के लिए जरूरी है, कैलोरिकली परफेक्ट गैस बोलते हैं, हालांकि परफेक्ट गैस के लिए जरूरी है कि CP और CV जो होता है वो नियत रहता है कोई भी टेम्परेचर प्रेशर के लिए, ठीक है ना। तो उस ये CP और CV ये परफेक्ट गैस में और आइडियल गैस में अंतर होता है। आइडियल गैस में जरूरी नहीं है CP CV जो है कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा, लेकिन परफेक्ट गैस के लिए जरूरी है CP और CV कांस्टेंट होगा। और नॉर्मली जो होते हैं मोनो एटॉमिक गैसेज जो होते हैं उनके लिए उनको परफेक्ट गैसेज की श्रेणी में रखा जाता है। मोनो एटॉमिक मतलब जिनमें एक अणु होता है, जैसे हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, ठीक है, तो उनके लिए CP CV एक तरह से नियतांक की तरह होता है, ठीक है। सारी आइडियल केसेज हैं, आप इसको समझिएगा अच्छे से। हम लगा तो देते हैं फार्मूला, लेकिन उसका असली मतलब नहीं जानते हैं। वो प्रैक्टिकल केसेज में नहीं लगते हैं ये सभी चीज, ये जो सभी इक्वेशन है आइडियल केसेज में। प्रैक्टिकल केसेज के लिए अलग अलग इक्वेशन है जो आप लोग नहीं पढ़े होंगे ना, तो पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो अब जो है नियमों को हम लोग पढ़ते हैं, आइडियल गैस के नियमों को पढ़ते हैं, ठीक है। अब जो है नियम हमारे स्टार्ट होते हैं। तो आइडियल गैस हमने समझ लिया, अब जो है पढ़ेंगे अब आइडियल गैस के लिए नियमों को पढ़ेंगे। तो पहला नियम जो है हमारा है वो है बॉयल्स लॉ। बॉयल का नियम, ठीक है। तो बॉयल्स लॉ यानी बॉयल का नियम, एक सेकेंड, चलिए बॉयल्स लॉ हम लोग पढ़ते हैं, यानी बॉयल का नियम। तो बॉयल का नियम क्या कहता है कि स्थिर तापमान पर किसी आदर्श गैस के, ये सभी जो नियम पढ़ेंगे वो आदर्श गैस ही रहेगा, तो स्थिर तापमान पर किसी आदर्श गैस के निश्चित मात्रा का, यानी कि उसका द्रव्यमान नियत रहेगा, निश्चित मात्रा का जो दाब होगा वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो क्या बोलते हैं,
बॉयल्स लॉ के इस लॉ इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, स्थिर परम ताप पर बोलेंगे, परम ताप, परम ताप को हम बोलते हैं इंग्लिश में एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट पर टेम्परेचर बोलते हैं, यानी स्थिर परम ताप पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का परम दाब, यानी कि एब्सोल्यूट प्रेशर की बात करेंगे, ठीक है ना? जो बताए थे परम दाब, याद करिए, परम दाब गैस के आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो कहेंगे क्या कि जो P होता है वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल V के, यानी P जो होता है प्रोपोर्शनलिटी का साइन 1/V। यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि कांस्टेंट क्या क्या है, यहाँ पे M कांस्टेंट है यानी मात्रा निश्चित यानी द्रव्यमान निश्चित है, और टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है ना? तो तापमान को T से दिखाएंगे और M को, मास को M से, यहाँ पे है दाब और इसके लिए ये है आयतन, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है पी बी इज इक्वल टू सी बाई बी आता है। अगर इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो क्या आएगा, एक नियतांक आएगा, यानी हम कहेंगे पी इंटू बी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है? तो ये हो गया हमारा नियम हो गया। अब जहाँ पे हम क्या कह देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, जहाँ पे पी क्या है, परम दाब, जिसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट प्रेशर, टी क्या है, परम ताप है, जिसको बोलेंगे हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और वी क्या है, आयतन है गैस का, ठीक है, गैस का आयतन, ठीक है ना, यानी वॉल्यूम ऑफ द गैस, और सी क्या है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ठीक। अब इसके बाद हमारे लिए क्या आया कि मानिए कि जैसे कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है गैस, ठीक है, यहाँ पे हमने लगा दिया P और V का ग्राफ खींच लेंगे। मान लीजिए स्टेट वन में है, ठीक है ना, और कांस्टेंट टेम्परेचर पे जा रहा है ऐसे स्टेट टू में, ऐसे ही ग्राफ होता है, एक जो होता है जैसे पैराबोलिक, इसको बोलते हैं ग्राफ, ठीक है ना, हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक होता है, हाइपरबोला की तरह। तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, प्रोसेस हो रहा है, स्थिर तापमान है, तो इसमें क्या होगा P1, इसके लिए इस स्टेट में क्या होगा, यहाँ पे दाब P1 है और आयतन क्या है V1 है, और इस स्टेट में क्या है, दाब P2 है और आयतन क्या है V2 है। तो यहाँ पे देखिए P और V का गुणा हमेशा क्या रह रहा है, कांस्टेंट। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि पहले स्टेट में यानी P1 V1 बराबर होगा, पहले स्टेट में P और V का गुणा करें बराबर होगा दूसरे स्टेट में यानी P2 V2। तो इस तरह से इन नियमों को लगा करके हम लोग क्या करेंगे, आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, इन नियमों को लगाकर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया बॉयल्स नियम, बॉयल्स लॉ यानी बॉयल का नियम, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग चार्ल्स का नियम।
सो हम लोग तो अगला जो हमारा नियम है वो है चार्ल्स ला, यानी कि चार्ल्स का नियम। ठीक है, तो चार्ल्स का नियम क्या कहता है कि स्थिर दाब पर, चार्ल्स का नियम ये कहता है कि स्थिर दाब पर इस नियम के अनुसार स्थिर परम दाब पर, चलिए हम लिखते नहीं, आप लोग लिख लेंगे, ठीक है, और नोट्स तो आपको मिलेगा ही, तो नोट्स में लिखा ही मिलेगा, तो क्या लिखें, तो इसमें चार्ल्स नियम क्या कहता है कि स्थिर परम दाब पर, यानी परम दाब पी जो होगा कांस्टेंट रहेगा और समान मात्रा के लिए, गैस के निश्चित मात्रा के लिए, यानी एम जो है कांस्टेंट रहेगा, द्रव्यमान कांस्टेंट रहेगा, तो आयतन जो होता है वो टेम्परेचर यानी तापमान के समानुपाती होता है। आयतन जो होता है परम तापमान के, देखिएगा तापमान जो भी ये टी पढ़ा रहे हैं ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, यानी केल्विन स्केल में टेम्परेचर है, डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं है, ठीक है, तो ये भी होता है प्रोपोर्शनल टू टी। ठीक, अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी के कांस्टेंट लाए तो सी टी हो जाएगा या के टी लिख लीजिए, के भी लिख सकते हैं, तो V by T is equal to क्या हो गया, नियतांक हो गया। तो इस तरह से अगर बात करें यहां पर फिर से मान लीजिए है प्रेशर वॉल्यूम, तो हम क्या कह रहे हैं कि आयतन जो दाब है वो नियत रह रहा है, तो दाब हमेशा पूरे प्रोसेस में नियत रह रहा है, तो स्टेट एक से स्टेट टू में जाने पर ये रहेगा, ठीक है ना, तो दाब यहाँ पे मान लीजिए V1 अगर PV ग्राफ पर दिखा रहे हैं तो ऐसा होगा, अगर मान लीजिए यही टीवी पर दिखाते तो कैसा होता, तो एक कांस्टेंट लाइन की तरह होगा, तो वो दिखाने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ जाएंगे। तो अगर एक स्टेट वन से स्टेट टू में जा रहा है तो यहाँ पे क्या नियतांक है, वी बाई टी नियत है ना, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि स्टेट वन के लिए V1/T1 बराबर है स्टेट टू के लिए V2/T2, ठीक है ना, तो इस तरह से हम क्या करेंगे यहाँ पे निकाल लेंगे, आपको दो स्टेट दिए रहेंगे और इसी तरह से आगे स्टेट भी, अगर V3 तीसरा स्टेट जाता है तो V3/T3 भी समान ही होगा, V4/T4 जितने स्टेट में जाएंगे उतना सब क्या होगा नियतांक रहेंगे, ठीक है ना, चार्ल्स के नियमानुसार। ठीक, तो ये हो गया चार्ल्स का नियम। और देखिए आइडियल गैस के लिए एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना है ये कि इसको एक तरीके से और कहा जाता है कि क्या करिए कि इस पर अगर हम टेम्परेचर रखें, इस पर वॉल्यूम रखें, तो सारे नियम जो है सारे गैस ऐसे तो कांस्टेंट तो रहेंगे, मतलब कांस्टेंट का पालन तो करेंगे, लेकिन फाइनली वो मीट करते हैं एक पॉइंट पे जो लास्ट पॉइंट होता है, फाइनली उनका वॉल्यूम क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, आयतन है ना, तो आयतन जीरो हो जाता है, कहाँ पे, -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी इसको जीरो केल्विन भी कहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कोई ये अलग गैस ए है, कोई अलग गैस बी है, कोई अलग गैस सी है, तो उसका आयतन घटाते आइए, सॉरी तापमान घटाते आइए, तो उसका आयतन भी घटेगा क्योंकि समानुपाती होता है, और सारे आइडियल गैस सारे आदर्श गैस फाइनली एक पॉइंट पर मिलते हैं जहाँ पे उनका आयतन जीरो हो जाता है, आयतन शून्य हो जाता है, यानी गैस ही गायब हो गया, वो होता है किस तापमान पर, -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, तो हालांकि वो अभी तक अचीव नहीं किया गया है, लेकिन ये कर्व जो खींचे जाते हैं ये एकदम बिल्कुल यही पालन करते हैं,
यानी सारे के सारे जो है एक ही पॉइंट से ही मर्ज होते हुए लगेंगे, मतलब जो वॉल्यूम जीरो होगा उनके लिए कटान बिंदु एक ही होगा अलग अलग गैसों के लिए। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं, चार्ल्स लॉ के अनुसार ही ये होता है। ठीक है, अब जो है अगला हम लोग पढ़ते हैं, चार्ल्स के नियम के बाद क्या रहेगा हमारा, गेलुसाक का नियम क्या रहेगा। तो गेलुसाक का नियम क्या कहता है कि देखिए, पहले में तापमान नियतांक था, दूसरे में दाब था नियत था, अब इसमें क्या रहेगा, इसमें हमारा नियत रहेगा आयतन। तो भी हमारा कांस्टेंट है, समान मात्रा है, उसके लिए जो परम दाब होगा यानी एब्सोल्यूट प्रेशर जो होगा वो टेम्परेचर के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, यानी तापमान के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से भी हम क्या कहेंगे, P बाई टी जो होता है ये क्या है, नियतांक है, और P1 वन बाई टी वन तो हम कहेंगे इज इक्वल टू P2 टू बाई टी टू। ठीक है, वही ग्राफ अगर प्लाट करें तो देखिए, अगर पी भी अगर आप ग्राफ खींचते हैं तो आयतन नियत है ना, तो ये होगा, मान लीजिए स्टेट वन है तो ये होगा स्टेट टू, आयतन नियत रहेगा यानी आयतन बदल थोड़ी रहा है। ठीक है ना, इस प्रोसेस में एक से दो अवस्था में जाने पर, क्योंकि हम जानते हैं कि एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जाने पर कोई ना कोई प्रोसेस होता है, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि आयतन स्थिर है, यानी कि ये कैसा प्रोसेस है, स्थिर आयतन प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस इसी को कहते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, अभी आपको बस झलक दे रहे हैं इन सब चीज़ों का। ठीक है, तो यहाँ पर P1 by T1 is equal to P2 by T2 कर लेंगे, तो ये सभी आपको याद रहने चाहिए। ठीक है ना, ये सभी याद रहेगा तो ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है, आगे तो जब ये सभी आपका जब याद रहेगा, मतलब आपको पूरी तरह से तीनों नियम, तो ये तीनों नियम पे सवाल आगे आएंगे तो उन सवालों को हम आगे बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।